हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकर्स ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो जो इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, क्योंकि इससे जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया रैंक्ड 117th इन एस डी जी इंडेक्स 2020। विच कंट्री टॉप्स दिस इंडेक्स? तो अभी एस टी जी इंडेक्स आया है 2020 के लिए, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एस डी जी का फुल फॉर्म है। उसी इंडेक्स में इंडिया रैंक किया है 117। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री है जो कि इस इंडेक्स में टॉप किया है। तो इसका आंसर है बी, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक दिया गया है, फर्स्ट पे है स्वीडन, देन सेकंड पे डेनमार्क, और थर्ड पे है फिनलैंड। ओके, और इंडिया है 117वें नंबर पर, और इंडिया का स्कोर है 61.92। ओके, यहाँ पे कुछ करंट इंडेक्स रैंकिंग दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, जिसमें इंडिया का रैंक है 144th। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, जिसमें इंडिया का रैंक है 120th। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें इंडिया का रैंक है 40th। ठीक है, चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स रैंकिंग 2020, जिसमें इंडिया का रैंक है 77th। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 84th। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 142। और IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, जिसमें इंडिया का रैंक है 43rd। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज का आपके लिए फर्स्ट सवाल आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो सवाल है, आंसर था स्वीडन इस क्वेश्चन का। तो आपको बताना है स्वीडन का कैपिटल क्या है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, स्वीडन का कैपिटल क्या है ज़रूर कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। जी आकाश बिकम्स इंडियाज 66th चेस ग्रैंड मास्टर, ही बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अभी जी आकाश ने आकाश बन गए हैं इंडिया के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर। तो आपको बताना है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। द आंसर इज ए, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं जी आकाश। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड रायतू डायनोत्सव, रायतू दिनोत्सव भी आप बोल सकते हो, ऑन फार्मर्स डे ऑन July 8, 2020? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश अभी रायतू दिनोत्सव नाम से एक स्कीम लॉन्च किया है ऑन फार्मर्स डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम। तो झारखंड में हुआ है अभी न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में थे क्योंकि इनके नाम से कोलकाता का बंदरगाह का नाम भी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विथ हुइच कंट्रीज कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU टू बूस्ट मेरीटाइम रिलेशंस। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री के कोस्ट गार्ड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं टू बूस्ट मेरीटाइम रिलेशंस? इसका आंसर है ए, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। आगे चलते हैं। विच कंट्रीज विदड्रॉल फ्रॉम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2021 हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने एक अनाउंसमेंट किया है, कौन सी वो कंट्री है जो जुलाई 2021 तक अपना सदस्यता उठा लेंगे, कहाँ से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, USA। ओके, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक आदेश आया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना जो मेंबरशिप है वो रद्द कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन JLL's लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 34th। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम इस लिस्ट में टॉप पे है, और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दूसरे नंबर पे है, और ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पे। ठीक है, और इंडिया का रैंक है 34th। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड भविष्य सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 years? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो अभी फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य नाम से एक सेविंग्स अकाउंट फॉर द माइनर एज्ड बिटवीन 10 to 18 years, जिसका उम्र है 10 to 18 years, उनके लिए एक सेविंग्स अकाउंट चालू किया है भविष्य नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ अडॉप्टेड ए न्यू आइडेंटिटी ऑन इट्स 100th year माइलस्टोन एट ओलंपिक गेम्स। आपको बताना है इन व्हिच ईयर IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड? द आंसर इज 1927, ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 1927 में इसका स्थापना हुआ था। प्रेसिडेंट अभी कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रैंक्ड नंबर वन इन द मेंस 52 kg वेट कैटेगरी एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग्स रिलेटेड बाय द एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA? तो IBA का फुल फॉर्म भी आ सकता है, एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमित पंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अभी हुआ है, इसका रैंकिंग आया है,
अमित पंगल रैंक्ड नंबर 1 इन मेंस 52 वेट कैटेगरी, ओके, और मंजू रानी सिक्योर्ड द सेकंड स्पॉट, मंजू रानी सेकंड स्पॉट, ठीक है, और उनका कैटेगरी है 48 केजी कैटेगरी, और मैरी कॉम वॉज प्लेस्ड एट थर्ड स्पॉट इन हर 51 केजी कैटेगरी, ओके। ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीजो कुरुवाला जॉर्ज। तो अभी सीजो कुरुवाला जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ज़रूर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और पार्टिसिपेट करने का आपका मूड भी बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और इसका ऑडियो आपको मिल जाएगा खबरी ऐप पे। खबरी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फॉलो करना है इस चैनल को, ठीक है, सुनो काइंड अफेयर्स क्या के एक चैनल है, जहाँ पे मैं हर रोज़ वीडियो का ऑडियो वर्शन रिवीजन के तौर पे वहाँ पे अपलोड करता हूँ आपके अच्छे स्कोर के लिए, ठीक है। तो आप जानते हो कि रिवीजन इज़ ए की टू सक्सेस, इसके लिए मैं रिवीजन का ऑडियो भी आपके लिए डालता हूँ, ठीक है। वहाँ से उस चैनल को आप फॉलो कर लेना खबरी ऐप से जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया है, वहाँ से आप जा सकते हो इस चैनल में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को, और जुड़े रहना इस चैनल से। थैंक यू। जय हिंद।